भी स्टे है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। लाहौर से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उनका ये सफ़र जो है वो कुर्बत औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन और सूफिया इकराम और जो हमारे ख़तीब हैं जिन्होंने हमारे दीन के लिए और शरीयत के लिए और उसकी तबलीग के लिए काम किया है, उस हवाले से उनको सलाम पेश करने की गरज से ये, और बिलखसूस अपने बच्चों को साथ लेके जाना और उनको ज़ियारात करवानी, और जिस तरह भी इससे कबल भी इराक़ ईरान शाम की ज़ियारात कर आएँ और बच्चों के साथ फैमिली के साथ गए थे। असल में वालदैन की ज़िम्मेदारी दीगर ज़िम्मेदारियों के साथ अच्छी तालीम और उनको अच्छी आसाइश के साथ जो है वो दीन और मज़हब और अपने कल्चर की भी जो बताने की ज़िम्मेदारी है वो भी वालदैन पर ही है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इसकी अदायगी कर रहे हैं। अक्सर इनसे डिस्कशन होती है इस हवाले से, बल्कि मैं भी इसी पर अमल पैरा हो रहा हूँ इनसे बात करके के, और आप लोगों से भी ये डिस्कस करता हूँ कि अगर हम इतने परेशान होते हैं बच्चों को आजकल के माहौल का बताना या उनको फैसिलिटीज़ देनी और उनको मतलब मौजूदा दौर के हवाले से अपने बच्चों को तैयार करना, तो उसके साथ साथ हमें हर सूरत ये भी चाहिए कि जो हमारा मज़हब है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा दीन है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सब कॉन्टीनेंट में औलिया अल्लाह ने, बुज़ुर्गान दीन ने सबसे ज़्यादा तबलीग की और सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इंसानियत को और इंसानियत का प्रचार किया और दीन के असल मकसद को पहुँचाया, तो उन्हीं के इस मकसद को पहुँचाने का जो शुक्राना है उसको पेश करने के लिए नवीद ज़ैदी साहब अपनी फैमिली के साथ और मेरे साथ हम इकट्ठे निकले हैं, और कोशिश है कि कराची से, लाहौर से सिंध तक जो भी बुज़ुर्गान दीन हैं, हमारे ख़तीब हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, उनसे सबसे सलाम करते हुए अपने बच्चों को उनसे उनकी मुलाकात करवाते हुए और इस सफ़र को हम कराची तक लेके चले। ये सफ़र जारी हो गया जी। मोहम्मद हुर साहब पीछे बैठे हैं, लिफ्ट नहीं करा रहे, संतरे खा रहे हैं खुद अकेले। नवीद ज़ैदी साहब मास्टर हैं ड्राइव के, इनको यहाँ से पूरे पूरी दुनिया का टूर लगवा लें, मतलब ये तो अभी सिर्फ बड़ी मेहरबानी की है कि कराची से जा रहे हैं लाहौर से कराची, लेकिन जितने ये शौक से ड्राइव करते हैं नवीद ज़ैदी साहब, ये वर्ल्ड टूर भी लगा सकते हैं गाड़ी। बस नियत है मौलाना, अगर बाय रोड इंशाल्लाह, बाकी ज़ियारात जो है इराक और शाम तक इंशाल्लाह। ये बहुत मेरी भी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये हम पर रहम करे कि हम लोग अपनी गाड़ियों में और ईरान इराक शाम ज़ियारात बाय रोड करें इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह से मोहम्मद हुर साहब ड्राइव कर रहे हैं, और यही फ़ायदा होता है दो दो तीन तीन ड्राइवर का, तो ये हमारे चीते जो है ना ये ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी माशाल्लाह हाईवे पे और मोटरवे पे बहुत अच्छी ड्राइव कर रहा है। चलो जी भाई मैं तुम्हें दसो की नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद वकास साहब। अच्छा, मेरा नाम खान है। ठीक है, मैं आ गया जनाब तुहाडे कोल खबरें अखबार तो और चैनल 5 तो हलवा लेना, मतलब रिपोर्टिंग नहीं करता पाया, लेकिन चूंकि मैंने एक बंदे ने किया कि जनाब तुसी रिवाड़ी स्वीट से चले जाओ या अल खैर का ले लो, फलाने का ले लो, जिसे मैं लोगों ने पूछा उनकी करना है। असल गल है नहीं कि असल क्या कराची लाहौर साढ़े जे मेरे नाल लेना ना, वो सानू दस देने कि उर्दू का पूछ लिया कराची वाले को तो समझ ही नहीं आएगा चैनल दे। मैंने जिससे यहाँ पर पूछा कि यार क्या करूँ, उसने कहा कि जी आप अल खैर से ले लें, अब तो हाफिज़ भी नहीं है, अल वदूद भी नहीं है। मतलब अल वदूद तो बहुत है यार हाईवे पे, और पहले तो ब्रांड नेम था हाफिज़ के अलावा कोई दूसरा नहीं था। तो अब ये क्या वजह है अल वदूद और हाफिज़ क्या दो भाई के अलग अलग हो गए? वदूद और हाफिज़ अलग अलग कंपनी है, अलग अलग कंपनी, लेकिन शुरुआत जो है ना हाफिज़ ने की थी। हाँ पता है मुझे, सबसे पहला ब्रांच मुल्तान की शुरुआत की थी। मतलब अगर हाफिज़ के अलावा किसी और का नाम होता तो लोग लेते नहीं थे। हाफिज़ का शुरुआत नहीं की थी, उसके अलावा ब्रांड और भी आ गया, रिवाड़ी का भी सही है। हाँ
लेकिन हाफिज 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 का मुकाम अल खैर अल खैर है। रिवाड़ी का नाम है अल खैर? नहीं, रिवाड़ी अलहदा है, अल खैर अलहदा है। ये आ जाती है स्वीट्स की शॉप में, आ जाती है। किसकी? स्वीट्स की। अच्छा, स्वीट्स की शॉप है, स्वीट्स की शॉप, रिवाड़ी स्वीट, अल खैर स्वीट। हाँ, मुल्तानी सोज हलवा जो है ना, वो हाफिज है और अब्दुल वदूद है। पुरानी दो कंपनी है, पुरानी दो कंपनी है। इन दोनों में भी हाफिज का बहुत बड़ा नाम। सबसे पहले नंबर पे हाफिज है। उसका जो ब्रांड नेम था ना, मार्क नंबर, वो 310 था, क्या था? 6215 था। पार्ट मार्क का हाफिज का दूसरा नंबर 62517। ये ऑफिस का ही है, ऑफिस का ही है, इसके अलावा किसी का नहीं है। पक्की बात, पक्की बात, पहला ब्रांड। उस दूसरे नंबर पे अब्दुल वदूद, मतलब ये लोकल बात नहीं हो रही, ये चैलेंजेबल बात है। मेरे 1000 रुपए का हलवा लेना कोई मसला नहीं है, 1500 का, 1800 का इशू नहीं है सर। इशू ये है कि आपकी एक चीज को मैं बता रहा हूँ आज, ये कौन सा चौक है? विहारी चौक। ये विहारी चौक से बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को ये पता लगे कि हाफिज को छोड़ गए हैं। हर कोई बंदा सिर्फ देखता है मुल्तानी सोना हलवा ले लेता है, तो ब्रांड को भी लेना, ब्रांड को हाफ बार 517 रजिस्टर्ड नंबर है, ये ऑफिस का जनरल है। इसको हम नेट पे गूगल पे आप सर्च कर 6217 निकाले, बाप का सबसे अच्छा हलवा कौन सा, ठीक है। उसके अलावा जो वदूद की बात करेंगे, वदूद में सबसे जनरल है ना, वो 310 नंबर है। अच्छा, जो वदूद की उसके बात के बाद उसके बेटे बना रहे हैं, 310 नंबर वदूद जनरल। अच्छा, यानी अगर वदूद लिखा हो और 310 लिखा हो तो उसका वो मार्का नंबर है, ब्रांड नंबर है, ब्रांड नंबर वो 310। और अगर हाफिज का लेना है तो 62517। ये हुई ना बात, दो चीजें आज बड़ी क्लियर होगी। अल वदूद कहीं से भी ले ले, अगर 310 है तो सही है। और उसके बेटे का नाम लिखो, बेटे का नाम, बेटे का नाम है कवि, कवि, कवि। और उसका बेटा, उसका पोता बना रहा है यूसुफ। अच्छा, तो आप कवि लिखाओ या यूसुफ लिखाओ? यूसुफ लिखाओ, जो भी लिखा होगा आपको रजिस्टर। मैं दरअसल पहले चैनल खबरें अखबार से ना, तो मैं उन्होंने एक चीज़ में डिटेल दसना चाह रहे हैं। साडा खबरें अखबार जो बड़ा मशहूर है, सारे असी बहने लाहौर कराची। मैं फिर उर्दू से भी दसना शुरू किया कि कराची के लोग समझते थे जिसे तो लिखे ना मुल्तान का सोना लगा, वो समझते भाई जो भी आ रहा है बस ठीक आ रहा है। दो बताया ना, ऑफिस का बता दिया, लगा अखरोट में होता सर। और वो जो ज्यादा मिक्स है वो क्या है? वो वदूद के आइटम है। अच्छा चलिए, ठीक है। ये है एक, ये अखरोट में सर, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ बादाम है, ये बादाम पिस्ते और ये अखरोट, अखरोट और पिस्ते में। ये साइज का फर्क है, एक साइज एक की एक वजन नहीं जैसे, ये दफा देखे ना, ये जरा तो ये वजन कह रहा है ये मुझे। अच्छा, इन दोनों में अखरोट और ये पिस्ता, ये दें मुझे, ये दें और पहले ये दें, और एक आइटम मुझे दे दें आप इसकी भी, अल वदूद की भी 310 की जरूरत मुझे दिखा। मैं आपको दूंगा 7 रुपये। अच्छा, तो मुझे भी जाना पड़ेगा वहाँ पे, चलूँ साथ? जाना पड़ेगा। आए दूध का 310 दो भाई, कौन सा? 310 किलो नहीं, छोटा छोटा छोटा, हमने उसको सिर्फ चेक करा, लेकिन उसमें वो था आपका अल वदूद जो है वो अखरोट वाला जी, अखरोट वाला और काजू वाला। ये सर 310 नंबर। देखो भाई, ये मैंने एक छोटा सिर्फ इसलिए लिया कि उसको हम अभी खोल लेंगे। इन्होंने मुझे ये बता दिया, अब्दुल कवि जी। अच्छा जी, अब्दुल कवि वल्द जी। अच्छा, हाँ, वल्द क्या लिखा जी? हाफिज अब्दुल वदूद। अच्छा अच्छा जी, जो जो इनके वल्द थे, ठीक हो गया। ये लिखा होगा 310 नंबर के साथ, ये लाजमी लिखा होगा जो असल है। अच्छा, जो असल है, चले ठीक है। ये एक मुझे ये वाला भी दे दो, ठीक हो गया बेटा। इसको खोला, चलो अल्लाह पाक माफ़ करे।